I've been counting down the days, counting down the days. रानियों के रहने का था नहीं के सर्दियों के अच्छा गर्मियों के टाइम ये पालकी होंगी या सेंटर के अंदर बीच के अंदर जो रॉयल फैमिली की डांसर थी वो डांस करती थी उसके चारों तरफ सकिया ठीक है इधर पब्लिक इधर पब्लिक सामने गाने बजाने का प्रोग्राम चलता था वो बजाते हैं ना ठीक है नीचे राजा बैठते थे और पीछे जमींदार मतलब दोनों तरफ जमींदार और उनके जो मंत्री संतरी थे जिनके मैसेज और बीच में रानी और दोनों तरफ मंत्री संतरी ठीक है इधर पब्लिक इधर पब्लिक तो यहाँ जश्न होता था नाच गाने का प्रोग्राम और जो कबूतर बैठे हुए नहीं फूटो टाइप के खून निकले हुए हैं बाहर उस जमाने में लाइट तो थी नहीं तो इनमें क्या मसाले लगे हुए तो यहाँ से क्या जश्न चलता था नाच गाने का प्रोग्राम तो इसको बोलते हैं दीवाने खाना आपको वहाँ पे यहीं से दिखाऊंगा दो प्रोग्राम भूल भुलैया ये भूल भुलैया ये आगे अच्छा के द्वारा शो किया गया है कि राजा महाराजा खाना कैसे खाते थे ये बीच में बैठे हैं महाराजा सवाई जय सिंह इनके मंत्री संतरी चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे इस सिस्टम से खाते थे देख लो ये रानियों का सिस्टम बना रहे हैं रानियों का महारानी चंद्रावती बीच में बैठी हुई है जो जयपुर में महारानी साड़ी जो फेमस है इसी के नाम से फेमस है बीच में वो जमींदारों ये साइड में जमींदारों के जो मैसेज चल रहे हैं तो रानियां इधर खाना खाती थी राजा लोग यहाँ खाते थे ये सारे बेड्स
अच्छा हाथियों के ऊपर जो रखते हैं कौन सी लेक सागर लेक वो जो मैंने वाटर टैंक बताया था उसके पानी अगर कम हो जाता हाँ जी आदि द्वारा यहाँ से पानी लाया जाता है ये रास्ता ही नीचे ये नीचे गेट है गेट से आता है ये फोर्ट का क्या ऊपर ऊपर का हिस्सा खुला है नीचे कई ऐसे गुफा वगैरह है जो उसकी वो बंद कर रखे हैं अगर ये फोर्ट अगर पूरा खुल जाए तो इसको घूमने में पूरा दिन भर क्या 1.5 दिन लग जाए इतना बड़ा है बॉबी देओल अक्षय करना जो लास्ट का 1 घंटे का जो सीन है मूवी का वो यहीं का ही है जयपुर आता है ना अक्षय करना जो उसके बाद का पूरा टोटल सीन है अच्छा यही आमिर फोर्ट है यही आमिर फोर्ट अच्छा इसके बारे में बता रहा हूँ वो जो बड़ा चौक देख रहे हो आप चौक वो सामने ये चौक बड़ा चौक ग्राउंड सा जिसमें 3-4 पेड़ उगे हुए हैं अच्छा वो यहाँ पे क्या सैनिकों की परेड होती थी तो सैनिक परेड करते थे परेड ग्राउंड था ये और वो कमरे टाइप बने हुए हैं इनमें राजा के खास कमांडो रहते थे ठीक है और वो जो खाली और पड़ा वो दीवाने आम ये दीवाने खास और आधा जो सिस्टम है इधर वो माता जी नाहरगढ़ फोर्ट है ना नाहरगढ़ नहीं आमेर फोर्ट देखिए ये जितनी भी पेंटिंग हुई है इसको बोलते हैं इंडियन आर्ट ये उसी जमाने की है जानता है जरा आपको ये जो पेंटिंग है महाराजा मान सिंह की पेंटिंग है उस जमाने में क्या कलर वगैरह थे नहीं ओनली फॉर वेजिटेबल कलर सब्जियों से कलर बनाए जाते थे हरा कलर हरा धनिया मेथी पालक लाल कलर गाजर चकुंदर तो उसी से ये पेंटिंग तैयार की गई है और पेंटर की ये खासियत है कि पेंटिंग किस प्रकार से उसने तैयार की है अगर आप इसको उधर से देखोगे तो ये ऑटोमेटिक इसकी गलत ऐसे नहीं है आप मोबाइल से भी शूट करके देख सकते हैं जितने भी जो सामान मिले हैं वो क्या म्यूजियम में सजा दिए गए हैं ये साइडर वाली चीजें इसको बोलते हैं ढाल
ये कछुए की पीठ की बनती है। अच्छा, अगर तलवार का बार अगर इसके ऊपर आप करते हो तो तलवार टूट जाएगी, लेकिन ये नहीं कटेगा, ठीक है। और ये उस जमाने में धनुष वगैरह, ठीक है। और ये तीर, ये जो छोटी तीर है इनको बोलते हैं पंछी तीर, पक्षियों का शिकार। अच्छा, आइए एक राजा जब लड़ाई लड़ता था तो उसके शरीर पे 150 किलो वेट रहता था। अच्छा, तलवार भाले गाल ये तो क्या आधा अधूरा है भाई, जो जो सामान यहाँ मिले हैं वो इससे डरते हैं, कवर वाल और ये हाथ में पहनने का, ठीक है। ये घटा जो कुलाड़िया जमाने की इस प्रकार से हुआ करती है। इसको बोलते हैं तोप बनाने का कारखाना। अच्छा, अगर कोई बड़ी चीज अगर बनाएंगे तो सबसे बड़ी पहले उसकी छोटी चीज बनती है, मॉडल बनता है, फिर बाद में बड़ा निर्माण होता है। ये अफगानिस्तान से लेके आए थे। अच्छा, और इसकी ये भट्टी है, तो भट्टी तो छोटा जो मॉडल है जिसको मोड़ने के लिए, और ये ड्रिल मशीन है उस जमाने की, ठीक है। राइफल की बात करते हैं, दोनों तरफ जो साइड में राइफल है इसको बोलते हैं कैमल राइफल। अच्छा, ये होर्स राइफल या पैदल राइफल, ठीक है। अगर कैमल राइफल को आप पैदल बार करोगे तो निशान सटीक लग जाएगा। अब वो राजा और बंदूकें तो होगी थी, लेकिन ये है रानियों की बंदूक। अच्छा, ये बंदूकों की ये खासियत थी, 12 गोली बंदूक आपने देखी होगी, आगे 6 छोटा पीछे से बड़ा, यानी गोली आर पार लेते थे। ये उसी टाइप की बंदूक है, एक गोली में हाथी भी ढेर हो जाए। सेकंड तलवार स्प्रिंग तलवार पूरी मुड़ जाती है, इससे तलवार वजह से बह जाती है, अगर कहीं चोट भी लग जाए तो हल्का सा निशान ले जाए। ये जो बीच वाली तलवार है इसको बोला जाता है बली तलवार। कौन सी? बली, 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 बली जाते हैं ना। हाँ हाँ, वो तलवार है। और ऊपर वाले प्रधान तलवार, अगर प्रधान से प्रधान लड़े तो बीच में पब्लिक तो बोले नहीं, जैसे मान लो क्षत्रिय मूवी आपने देखी, धर्मेंद्र विरोध करना लड़ते हैं तो बीच में पब्लिक थोड़ी बोलती है, तो प्रधान से प्रधान भी फैसला करता है। मैंने वो जो कैनन आपको बताई उसका एक गोला तो चला दिया, दूसरा गोला ये है। अच्छा, ये चला नहीं था, 50 किलो इतने से गोले से इतना बड़ा वो धमाका हो गया था। इसमें ऐसा होता है जब ये गोला जमीन पे गिरता है तो इसके सबसे पहले होल होता है नीचे की तरफ। अच्छा, वो जमीन में होल करता है, होल करके गोला नीचे जाता है, नीचे जाकर फिर कुछ। अच्छा, इसमें बाजू में होता है ना।